जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं सुपर इंटरटेनमेंट और चीख ड्रामा सीरियल की प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, कुछ प्रिडिक्शंस दी थी चीख ड्रामा सीरियल के हवाले से कि मन्नत किस तरह से पागल खाने जाएगी, मन्नत की माँ मन्नत के ख़िलाफ़ गवाही देगी, और वो तमाम प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हुई हैं, 100% सही साबित हुई हैं। तो जिन दोस्तों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी वो बिल्कुल भी प्रिडिक्शन सही साबित नहीं हुई थी, या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, उन लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, तो वो ज़रूर देख सकते हैं और मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली एपिसोड की तरफ, जो कि चीख ड्रामा सीरियल की दिखाई गई है, उसमें क्या होने वाला है और आगे अब क्या होगा, तो ये रही वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताती जाऊँ, आप लोग देख रहे हैं सुपर इंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते जाएं कि नेक्स्ट प्रोमो में आप लोगों ने देखा कि कोई फंक्शन चल रहा है जिसमें वजी और यावर का वकील बैठा है और ये दोनों बैठे हैं, हंस रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, खूब जोश में हैं। तो उसकी भी बात करूंगी कि वो क्या है, क्या सूरत हाल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना वजी की शादी है ना यावर की शादी है, बल्कि ये केस में कुछ जो मन्नत को जेल में भेजा गया, जो कि पागलखाने में भेजा गया, उसकी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। इसी प्रोमो में आप लोग ये भी देखेंगे कि जब ये सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं, बाकी सब घर वाले बाहर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हया अपने कमरे में बंद बैठी रो रही है और सोच रही है। तो उसका भाई यावर उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्यों अलग हो हम सबसे, हम लोग सेलिब्रेशन को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ पर कमरे में बैठी रो रही हो। तो हया कहती है कि एक बीवी, अपनी बीवी को तो आप तलाक देकर घर से निकाल चुके हैं और दूसरी भाई की बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे पागलखाने भिजवा चुके हैं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये थी हया की पहली स्पोर्ट का पहला स्टेप जो वो मन्नत के लिए लेती है। और आप लोग देखिएगा कि अगली किस्तों में भी हया अपने भाई शायान का साथ देगी यावर और वजी को छोड़कर। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी, वो हर्ट भी होगी कि अपने ही भाइयों ने उससे उसका प्यार छीना है और अलग कर दिया उन दोनों को, जिस वजह से हया ये सारा गुस्सा निकालेगी अपने भाई शायान का साथ देकर। तो यूँ हया अपने भाई शायान का साथ देगी और अदालत में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर ये गवाही भी देगी कि उसके अपने दोनों भाई अपने भाई शायान की बीवी के ख़िलाफ़ हैं, जिस वजह से उन्होंने ये सब कुछ चाल चली और हया भी बन जाएगी शायान की सपोर्टर और मन्नत की। तो नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे कि अदालत हुक्म देगी कि मन्नत की माँ का मोबाइल चेक किया जाए, उस पर वो मैसेजेस, उस पर वो कॉल, उन सब के रिकॉर्ड हासिल किए जाएँ और देखा जाए कि वाकई में मन्नत की माँ को ट्रैप किया गया है या नहीं और मन्नत की माँ ने झूठी गवाही दी है या नहीं। तो दूसरे सीन में आप लोगों ने ये भी देखा नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में कि मन्नत की माँ मन्नत से गले मिल रही होती, लेकिन मन्नत इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। मन्नत अपनी माँ से खौफजदा है और परेशान है कि मेरी माँ ने मुझे खुद कैसे पागल खाने भिजवा दिया और मेरे खिलाफ ही गवाही देकर, जिसके बाद मन्नत की माँ को ये स्ट्रेस खा जाएगा और मन्नत की माँ दम तोड़ जाएगी। शायद अगली किस्तों में नहीं, लेकिन चंद एक अकसात के बाद ऐसा ज़रूर होने वाला है। और शायान तो वैसे ही मन्नत का साथ दे रहा है। तो ये थी चीख ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो के थोड़ा बहुत रिव्यू और थोड़ी बहुत प्रिडिक्शंस जो मैंने आप लोगों को दी, क्लियर की, क्लैरिफिकेशन दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग देख रहे हैं सुपर इंटरटेनमेंट, आपका अपना चैनल।